गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय SLChem। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं निकार्ड बास्केटबॉल लीग के बारे में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स दूंगा और हर एक चीज़ बताऊंगा कि इस मैच की लाइनअप आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कहाँ आएगी, सब कुछ पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप श्योर रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आराम से पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी बात मैं बोलूँगा वो सारा पॉइंट कंसिडरेबल होगा, आप लोग उसको कंसिडर करना। और मैं इस दोनों मैच को कवर करूँगा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि सैन इसार्डियो और कोस्टा कर्बेन के बीच में है। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा है, और ये मैच का डेडलाइन आप देख लीजिए सुबह का 6 बजे है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, मैच का डेडलाइन सुबह का 6 बजे है, क्योंकि इस चीज़ पर एक बात बताऊँगा आपको अभी, ठीक है। तो चलिए अभी आप दिखा देते हैं पहले दोनों टीम का पोजिशन और बेस्ट प्लेयर, हर एक इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देते हैं, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले आपको हम स्टेट्स दिखाते हैं सारा। तो सैन इसार्डियो ही फिलहाल पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है, और कोस्टा कर्बेन नंबर 4 पे चल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा सैन इसार्डियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, कोस्टा कर्बेन भी स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि ये भी नंबर 4 पे, और बास्केटबॉल में आप जानते हैं कि पॉइंट डिफरेंस अगर कम का हो तो वहाँ से टीम स्ट्रॉन्ग और वीक टीम डिसाइड होता है, बट प्लेयर स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा कि दोनों ही टीम अच्छे हैं, दोनों के प्लेयर को हम लोग लेके चल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सैन इसार्डियो का बेस्ट प्लेयर और कोस्टा कर्बेन का बेस्ट प्लेयर। ये जिस अकॉर्डिंग लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऊपर सबसे बेस्ट है और नीचे सबसे वर्स्ट है, इसी हिसाब से ये प्लेयर परफॉर्मेंस है। एफ कॉक्स आपको सबसे बेस्ट प्लेयर है कोस्टा कर्बेन का, उसके बाद भी थॉमस, उसके बाद एस कस्टेंडा ओबलैंडो और ई मोनकोडा, वी विलियम्स, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। डी कैंपेल भी अच्छा ऑप्शन है नीचे, बट ये जैसा परफॉर्मेंस किया है अभी तक टोटल टूर्नामेंट में वो एक एवरेज चार्ट है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बेस्ट प्लेयर है और कौन सा वर्स्ट प्लेयर है। हम लोगों को नीचे के प्लेयर को जे हॉगडॉन, जे वेस्ट को उतना ट्राई नहीं करना है, ये सब थोड़े खराब प्लेयर है, लेकिन जे क्रिस्टोफर एक अच्छा प्लेयर है, इसको हम लोग लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये कम मैच खेला है बट परफॉर्मेंस अच्छा देता है जे क्रिस्टोफर जो भी मैच खेलता है। तो चलिए ये कोस्टा कर्बेन का ही सारे प्लेयर का एक स्टेट्स है। अब हम आपको दिखाते हैं सैन इसार्डियो का। तो सैन इसार्डियो का सबसे बेस्ट प्लेयर जो है आपको यहाँ से एफ गार्थ, ये सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, एफ गार्थ को मिस मत कीजिएगा किसी भी स्मॉल लीग में। उसके बाद सी गुनाल्च, डी कैरोजा, एंड डेविस, आर पॉन्स, ये अब सबसे टॉप प्लेयर और नीचे वर्स्ट प्लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टेट्स हो गया सैन इसार्डियो का। तो मैंने ये सारा चीज़ बता दिया, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस मैच की लाइनअप नहीं आएगी, कन्फर्म बोल रहा हूँ, 100% लीग के ले लो, इस मैच की लाइनअप नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। अगर ड्रीम 11 डेडलाइन चेंज नहीं किया तो लाइनअप नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैच जो स्टार्ट होने वाला है वो ऑफिशियल 6:30 बजे होने वाला है। आप ये टाइम देखो, ये डेट देखो, ये मंथ डेट और ईयर के फॉर्मेट में है, 6 जून 3 तारीख है और 2020, तो उस फॉर्मेट में 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, और किसी भी मैच में लाइनअप जो है वो आती है 15 मिनट 10 मिनट पहले। तो अगर 6:30 बजे यहाँ ये मैच ही स्टार्ट होगा, लाइनअप आएगी 6:15 पे, बट ड्रीम 11 पे डेडलाइन क्या है 6 बजे है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर ड्रीम 11 इसको 6:30 करता है तो लाइनअप आ जाएगी, और अगर लाइनअप आएगी तो मैं आपको दूंगा 100%। आप लोग को लाइनअप कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए लाइनअप आएगी तो मैं वो आपको दूंगा, और कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे। तो आप लोग सब लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जो भी लोग इस मैच को खेलना चाहते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। स्मॉल लीग की फाइनल टीम भी वहीं दूंगा, GL की टिप्स आप स्टेट्स देख के बना लेना, और लाइनअप मैं कंप्लीट दूंगा, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग 5 प्लेयर, मैं कंप्लीट दूंगा कि आज के मैच में कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट का भी मैं लाइनअप दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये सब डिटेल्स लाइनअप चाहते हैं तो सब लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन होना है, एक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, मैं बास्केटबॉल तुर्कमेनिस्तान का मैच हुआ था, मैंने उसकी लाइनअप प्रोवाइड की हुई थी, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो लाइनअप मैं सब मैच का प्रोवाइड करा देता हूँ और टीम भी देता हूँ, तो जो भी होगा मैं वो सब कुछ करूँगा। आप लोगों को बस टेलीग्राम पर जाके सर्च क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम पर सर्च करना है @NitishForYou, क्या सर्च करना है @NitishForYou,
आप ये जैसे ही सर्च करोगे आपको एसएल चैंप से चैनल मिल जाएगा, एसएल चैंप नाम से। अप्रॉक्स 4000 सब्सक्राइबर हैं अभी, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एसएल चैंप पे यहीं पे मैं लाइनअप दूंगा, सर्च कर लेना @NitishForYou। क्या सर्च करना? @NitishForYou, ओके। तो आप लोगों को मिल जाएगा एसएल चैंप चैनल। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम, जो कि मैं फ़िलहाल अभी आपको बता देता हूँ। ये मॉर्निंग में आप अभी लगा के रख सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में जगना ज़रूर अगर खेलना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम है। अगर लाइनअप नहीं आती है तो इस टीम को ही मैं लेके चलूँगा, अगर लाइनअप आती है तो चेंज करूँगा और फाइनल टीम में टेलीग्राम पे दूंगा। तो मैं यहाँ से एफ गार्थ को एसपी चॉइस ऑप्शन में लेता हूँ और भी थॉमस को मैं वाइस कैप्टन पे रखूँगा, ठीक है। और आप लोग प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन पर ज़रूर खेलना, क्योंकि वहाँ पे एक वीसी ऑप्शन जो है ना वो बहुत ही अच्छा काम करता है, जिससे कि हम लोगों को विन होना आसान होता है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक प्लेयर को छोड़ा है जिसको कि मैक्सिमम लोग स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहेंगे, बट मैं उसे छोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एफ कॉक्स अच्छा प्लेयर है, आप लोग इसको ड्रीम इलेवन में जो है ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो एफ कॉक्स को, ठीक है। एफ कॉक्स को ट्राई करना होगा तब ग्रैंड लीग में करना, बट मैं स्मॉल लीग में उसे ट्राई नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम जो है फिलहाल है। एसपी मेरा एफ गार्थ है और वीसी वी थॉमस है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे मैच के बारे में आपको स्टेट्स और सब कुछ दिखाते हैं। तो सेकेंड मैच जो होने वाला है वो मेटागल्पा और ज़िनोटेगा के बीच में होने वाला है, ठीक है। दोनों ही टीम अच्छी है, बट वही फिर से इस मैच का भी डेडलाइन 6 बजे है और ऑफिशियल साइट पे डेडलाइन 6:30 बजे है। तो लाइनअप इशू रहेगा, आप लोगों को मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ें कोई भी आपको नहीं बताएगा, इतने ध्यान से कोई भी स्टडी नहीं करता इन चीज़ों का, ठीक है। और मेरी जो भी टीम वीडियो आ रही है आप जाके देखा करो उसको, मैंने जो भी बोला है वो सब चीज़ को आप मैच करना, जो मेरे रेगुलर यूजर हैं उनको पता होगा। और बेसबॉल की वीडियो देख लो या फिर आप जो भी मैं वीडियो देता हूँ, और बेसबॉल में आजकल देख रहे हो आप अपना रिजल्ट लगभग 90% आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि 95% तक लाऊँ कोरियन बेसबॉल लीग में, ठीक है। और CPBL का भी ट्राई करूँगा, बट बहुत सारे मैच हो जाते हैं और उतना मैच का मैं डीप स्टडी जिस मैच का करता हूँ उसे ही देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी इस मैच पर बात करते हैं, तो आपको स्टेट्स दिखाते हैं सब कुछ। तो ज़िनोटा नंबर 2 पे है और मेटागल्पा नंबर 3 पे है, दोनों ही टीम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों अच्छा टक्कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये देख लीजिए मेटागल्पा का बेस्ट प्लेयर जो है के एंड्रियो, उसके बाद आर टेलर, आर मेंजोआ, बी प्राजोन, ई मेजिया, ये देख लीजिएगा परफॉर्मेंस वाइज ये है अभी तक, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मैच दो मैच का, ये ओवरऑल टूर्नामेंट में जितने मैच हुए उसका एक ओवरऑल परसेंटेज निकाल के यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेटागल्पा का है और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ दूसरे टीम का। और ये ज़िनोटा का देख लीजिए, ज़िनोटा का बेस्ट प्लेयर ए मेंडोज़ा, एफ ओमिर, ई मेंडोज़ा, टी हम्फ्राइस, डी ग्रुइंटजा, जे हरेटा, ये सब एक पूरा स्टेट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा ग्रैंड लीग के लिए काम आएगा आपको, ये ग्रैंड लीग में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये स्टेट्स हो गए। अब मैं पोजीशन वाइज आपको एक बार ड्रीम इलेवन पे पोजीशन वाइज करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्टेट्स मैंने दिखा ही दिया है। एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइनल टीम तो मैं टेलीग्राम पर ही दूंगा, आप लोग जो भी खेलना चाहते हैं इस मैच को वो टेलीग्राम पर आ जाएँ, ज्वाइन हो जाएँ, सुबह मैं टीम दे दूंगा, लाइनअप आएगी लाइनअप भी दे दूंगा और लाइनअप सबसे फास्ट दूंगा, आप टेंशन ना लो, मैं बहुत ही फास्ट, मतलब जैसे ही आएगी ऑफिशियल साइट पे उसके 5 सेकेंड के अंदर आपको वहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा, इसकी सियोरिटी है मेरी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक पॉसिबल स्मॉल लीग का टीम। तो ये एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम है, बट इस टीम को अभी ज्वाइन करके मत सोइएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर बहुत सारे हैं और बिना लाइनअप के इस मैच को खेलना बहुत ही रिस्की होगा। तो बिना लाइनअप के इस मैच को हम लोग नहीं खेलेंगे, अगर बिना लाइनअप के खेलना होगा तो फर्स्ट मैच को खेलेंगे, इस मैच को तभी खेलेंगे अगर लाइनअप आता है तो। और यहाँ से मैं एक टीम आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग। यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो के एंडरियो और डी कैचो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इन दोनों को हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं, ठीक है। बट यही बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं, बिग क्रेडिट के ज़्यादा प्लेयर हैं, मैंने कुछ को ड्रॉप किया है क्योंकि क्रेडिट मैनेज करना मुश्किल होगा, ऐसे केस में लाइनअप आता है तो ही खेलेंगे, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए जो भी लोग टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए,
नीचे आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, और प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को बास्केटबॉल के लिए तो खेलिए ही खेलिए, उस पर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा। आप मनी ऐड नहीं करना चाहते मत कीजिए, फ्री लीग आती है वहाँ पे वो ट्राई कीजिए, ऐप पसंद आ जाए फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू अच्छा खेलिए। और टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन होना है मैं बता दिया हूँ, और लिंक में भी आपका है @NitishForYou, वो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, SLChamp नाम से चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। और जो भी लोग नए हैं सब सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और सुबह बेसबॉल की वीडियो आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, तैयार रहना सबको। तो चलिए धन्यवाद, गुड नाइट।